स्वागत है गाइस आप सबका एक नवी वीडियो में। इस वक्त हम हैं जम्मू एंड कश्मीर के झज्जर कोटरी गांव, यहां पे लिख के आ रहा होगा। पिछले 5 दिनों से हम इस गांव में फंसे हुए थे, मतलब रुके हुए थे। अब आपको बताता हूं। सबसे पहला बात कि जब हम 4 टनल पार करके आ रहे थे, लास्ट व्लॉग में आपने देखा होगा, 4 दिन आज से 5 दिन पहले 4 टनल पार करके आया, एक पेट्रोल पंप पर टेंट लगाया, आप वो भी देखा होगा अभी इससे पहले। मैंने अपनी धन्नू की बैटरी को चार्ज में लगाया, चार्ज लगाने के बाद तुरंत उस चार्जर में धुआं हो गया, आग लग गई, मतलब क्या क्या हुआ उसमें, पूरी खराबी हो गई। 4 दिन तक मुझे वेट करना पड़ा, आज 5वां दिन हो गया। इस 4-4 दिन में मेरे साथ जो लोग रहे मेरी सेवा में, वो आज उन लोगों से आपको मिलाता हूँ। हाँ सर, आपने 5 दिन तक हमारी सेवा की, ऐसा क्यों किया आपने? ये तो हमारा फर्ज था, हमने आपकी इंसानियत के नाते आपका ख्याल रखना। ये तो जब आप इधर खज्जर होंगे, बिल्कुल, तो आपकी ये प्रॉब्लम थी चलने की, तो कोई और हाल नहीं था कि यहाँ से आप बस में बैठकर या कहीं दूसरी जगह जा सकते थे जहाँ से आपको कोई चार्जर मिलता नहीं था। ये एक गाँव है, बिल्कुल, इधर हर चीज़ अवेलेबल नहीं है। बाकी सब ऑन ड्यूटी रहते थे, ऑन ड्यूटी रहते हुए भी हमारा बहुत ख्याल रखते थे। तो एक दिन पर निकले हो ना भारत यात्रा, एक बहुत बड़ा काम है। और ये जनाब भी शुरू में हमको टेंट लगाने में मदद किए थे। आपको मैं दिखाता हूँ कि मैं कहाँ रात को सोता था, जरा एक बार आप देख लीजिए। ये भाई हमारे इधर सो रहे थे, बाकी आगे इनका सफर अच्छा रहे तो हमारी भी खुशी है। वही वो जगह था जहाँ पे मैंने टेंट लगाया था, 4-5 दिन से रह रहा था, वहीं सोता था, वहीं खाता पीता था, रहता था, शौचालय था यहाँ पे सब कुछ। अभी नहाया धोया, कपड़े धोया और अभी हवा भी भर ली दोनों, अब सब कुछ टंच है, सब कुछ पॉसिबल हुआ 5 दिन में। सब कुछ मेरी सेवाओं में लगे रहे, ये सारे जितने भी आप पीछे देख रहे हैं हमारे, इन सब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, आप लोग का बेहद शुक्रिया। रास्ते में जो भी देख रहा है इनकी हेल्प, मतलब जिनके कॉन्टैक्ट में जो ये बंदा है, जिसके पास जो जो हेल्प कर सकते हैं वो इनके अकाउंट में जो भी है कर सकते हैं अपने खुशी से। अगर आपको श्री माता वैष्णो देवी कटरा जाना है तो उधर से जा सकते हैं। सामने का इस श्री माता वैष्णो देवी का मंदिर है, अजब का सीन है। वेलकम टू उधमपुर। गुड इवनिंग गाइस, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से। तो हम बहुत देर राइड करने के बाद फाइनली हम इन पहाड़ों के बीच आ गए हैं। चेनानी टर्नल यहाँ से 10 किलोमीटर और है, उससे पहले मैंने अपना टेंट लगा लिया है एक HP पेट्रोल पंप पर। यहाँ पे हम अपने धन्नू की बैटरी को चार्ज कर रहे हैं। एक चीज़ मैं नोटिस कर रहा हूँ, जहाँ जहाँ मैं चार्ज लगा रहा हूँ, लगाते ही बिजली गायब हो जा रही है। गाइस आप आसमान को देखो, वो पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर जो बादल है वहाँ पर अक्सर पानी होता है। इस पहाड़ के उस तरफ चेनानी टर्नल है जो 9 किलोमीटर लंबा टर्नल है, अक्सर हर शाम को पहाड़ के ऊपर काले बादल लग जाते हैं। और आप दूसरी तरफ इधर देखो तो क्या दिखाई दे रहा है, ब्लू स्काई, पानी नहीं होगा।